मैं हूँ अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाए हैं जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में अनेक टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए। सुखना लेक, रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन और अभी हाल ही में बर्ड पार्क भी बना है। लेकिन चंडीगढ़ में सेक्टर 23 में इंटरनेशनल डोल म्यूज़ियम भी है और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर सिर्फ डोल ही नहीं, यहाँ पे हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं बल्कि विदेशों की संस्कृति को भी डोल के ज़रिए, उनकी कॉस्ट्यूम्स के ज़रिए दर्शाया गया है। हम आपको दिखाएंगे अंदर जाके और क्या क्या इसमें कुछ खास है और कितना बच्चे इसको पसंद करते हैं। आइए चलिए दिखाते हैं आपको डोल म्यूज़ियम। अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में बाल भवन में स्थित एक संग्रहालय है। यह भारत में सबसे अच्छे गुड़िया संग्रहालयों में से एक है और चंडीगढ़ में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के प्रमुख स्थानों में से भी एक है। इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम की स्थापना वर्ष 1985 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रोटरी क्लब ऑफ चंडीगढ़ के सहयोग से की गई थी। संग्रहालय भारतीय बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। यह बच्चों के मनोरंजन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इनमें विभिन्न देशों जैसे डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, रूस और कोरिया आदि से इकट्ठी की गई 250 विभिन्न प्रकार की गुड़िया और कठपुतली शामिल है। संग्रहालय को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया, भारतीय गुड़िया, गतिविधि कोने और गुड़िया का इतिहास। भारतीय गुड़ियों को देश में सभी राज्यों में एकत्रित किया गया है और क्षेत्र विशिष्ट पोशाकों में तैयार किया गया है जो कि इस क्षेत्र की संस्कृति और जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक दिलचस्प खंड अलादीन, अलीबाबा, सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी और स्नो व्हाइट जैसी लोकप्रिय परिकथा पात्रों पर प्रतिनिधित्व करने वाली गुड़िया से संबंधित है। इन सभी को स्थानीय कलाकारों द्वारा डिजाइन को बनाया गया है और संग्रहालय को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह न केवल बच्चों को बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए भी आकर्षित करता है। प्रदर्शनी हॉल के बीच में जर्मनी रेलवे स्टेशन विशाल मॉडल भी एक दृश्य आनंद है। विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण स्थलों के इस विभिन्न चित्र रंगीन ब्लैकअप के साथ गुड़िया की प्रदर्शनी के लिए पृष्ठभूमि बनाते हैं। बच्चों के मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय शहर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक में बदल गया है। इसमें सुंदर गुड़िया के संग्रह के अलावा बच्चों के लिए एक मनोरंजन पार्क के साथ साथ टॉय ट्रेन भी शामिल है। अगर वहीं इसके समय की बात की जाए तो इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंद रहता है। वहीं अगर इसके टिकट की बात की जाए तो 12 साल के बच्चे और सीनियर सिटीजन के लिए टिकट फ्री कराया गया है, तो वहीं 12 साल से ऊपर के लिए प्रति एक व्यक्ति के लिए 10 रुपए टिकट रखी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के कल्चर को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है वो पहनावा ऐसा होता है, जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो इस तरीके की वो कॉस्ट्यूम पहनती हैं, यानी कि यह उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उसको दर्शाया गया है। इसी के साथ में अगर देखा जाए तमिलनाडु में लड़की शादी के वक्त कैसी ड्रेस पहनती है वो भी दर्शाया गया है। तमिलनाडु में इस तरीके के कुछ शादी में जोड़ा पहना जाता है। इसी के साथ अगर बात की जाए राजस्थान में ये जो कॉस्ट्यूम आपको दिख रही होगी, नीचे लहंगा और ऊपर चुनरी के साथ इस तरीके की कॉस्ट्यूम पहनती हैं वहाँ की महिलाएं। और पंजाबी कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे ये सूट सलवार पहने हुए आपको एक रेड कलर में एक डोल दिख रही होगी बहुत ही प्यारी सी, जो कि पंजाब की संस्कृति को दर्शाती है। इसी के साथ अगर बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड में इस तरीके के कुछ कपड़े पहने जाते हैं जो कि एक डोल के ज़रिए आपको दर्शाया भी गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अनेक अलग अलग राज्यों की आपकी संस्कृति को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में किस तरीके की ड्रेस पहनी जाती है शादी के वक्त, किस तरीके की लड़की जोड़े में आती है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेक जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल में किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, हरियाणा में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डोले एक लाल कलर की साड़ी पे जोड़े में एक डोल खड़ी है। और आगे भी हम दिखाएंगे आपको गुजरात और गोवा के यहाँ पे भी दर्शाया गया है उनकी संस्कृति को, उनकी कल्चर। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे भारत देश की नहीं बल्कि विदेशों की क्या संस्कृति है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। आपका नाम? माय नेम इज़ भूमिका सिंह। भूमिका, अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में सुखना लेक भी है, रॉक गार्डन है और अभी भी हाल ही में बर्ड पार्क भी खुला है।
तो वहाँ पे अभी डोल म्यूज़ियम में आप हो, तो आपको सबसे अच्छा और सबसे खास क्या लगा चंडीगढ़ में, अगर पूरे चंडीगढ़ की बात की जाए? मैं अभी तक पिंजौर गार्डन हो चुकी हूँ और मोरनी हिल्स में जा चुकी हूँ, लेकिन वो पंचकुला में, तो मेरे को चंडीगढ़ में अभी हम सुखना लेक की तरफ जाएंगे, तो शायद सुखना लेक मुझे अच्छा लगे अभी तक। और अगर बात की जाए डोल म्यूज़ियम की, आपको यहाँ पे सबसे खास क्या लगा है? मुझे यहाँ पे वो रशिया की डॉल्स बहुत अच्छी लगी हैं देखने में, मैंने उसके आर्टिकल भी पढ़े हुए हैं कुछ, मैं कल भी रिसर्च करी थी डॉल म्यूज़ियम, कल से मैं बोल रही थी कि मुझे डॉल म्यूज़ियम आना है, डॉल म्यूज़ियम आना है, तो फिर मैंने देखा कि टाइमिंग्स क्या है वगैरह, तो मैं सिर्फ रशियन डॉल्स देखने के लिए, कि जो इंग्लैंड में जो डॉल है वो सारी, और आउट ऑफ कंट्री की सारी डॉल्स है वो सारी देखने के लिए आई थी। अगर बात कीजिए डोल की, तो कहीं ना कहीं बचपन में लड़कियों को डोल्स ज़्यादा पसंद होती है, तो आपने भी मे भी खेला ही होगा डोल से, गुड़िया से खेलना ज़्यादा पसंद होता है लड़कियों को, तो आपने यहाँ पर आके डोल भी देखे हैं एक तरह की, यहाँ से आपको क्या सीख मिली है? डॉल्स लाइक अ काइंड ऑफ ह्यूमंस, कोई लाइक जैसे हम हैं, हमारी कॉपी बनाते हैं डॉल्स को, हमारी तरह तरह के, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के डॉल्स हैं, उनको ड्रेसेस पहना रखी है और बाकी सब चीज़ें करी हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मीन्स वो हमारी कॉपी ही बना रखी है, तो जो बच्चे हैं वो खेलते हैं वो डॉल्स के साथ, तो लाइक वैसे ही लगता है कि हम ही हैं वो, तो उसकी कॉपी बन के लगती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा यहाँ पर बच्चों का कहना है कि यहाँ पे जो डोल्स हैं उनको हमारी तरह ही, हमारी एक आकृति है, बस उनको कपड़े अलग तरीके से पहनाए हुए हैं, और अगर देखा भी जाए तो लड़कियों के लिए ये बेहद ही खास खेल होता है। ऐसे कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए प्रकाश टीवी पर, मैं अपनी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।